आप आज क्या कर रही हैं आंटी फातिमा मैं दूसरे डॉक्टर्स और नर्सेज के साथ हेल्दी हैबिट्स पढ़ाने की वर्कशॉप कर रही हूँ हेल्दी, हेल्दी, ये एक हेल्दी हैबिट की सही मिसाल है सही में हाँ एक हेल्दी हैबिट वो है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं अपना और अपने आस के लोगों का ध्यान रखने के लिए एक हेल्थ केयर वर्कर होने के नाते आंटी फातिमा को हेल्दी हैबिट्स के बारे में सब पता है <laughs> बिल्कुल ठीक क्या तुम्हें पता है कि अपनी कोहनी में खांसना और छींकना क्यों जरूरी है राया हाँ जब हम खांसते या छींकते हैं तो हम दूसरे लोगों को बीमार करने के लिए हवा में लाखों कीटाणु फैला देते हैं <laughs> बिल्कुल सही क्या तुम्हें अभी कोई बीमारी महसूस हो रही है राया नहीं मैं ठीक हूँ फिर तुमने अपनी कोहनी में क्यों छींका अगर तुम बीमार नहीं हो तो क्योंकि मैं अभी भी कीटाणु फैला सकती हूँ बेशक मैं बीमार नहीं हूँ और हर बार अपनी कोहनी में छीकने से ये मुझे हमेशा कोहनी में छीकना याद दिलाएगा जब मैं बीमार होंगी तब भी ये बन जाएगी आ, वो बन जाएगी हेल्दी हैबिट।, हैबिट बिल्कुल ये एक जरूरी हैबिट है जो मैं अपनी वर्कशॉप में आज सिखा रही हूँ आंटी, मैंने एक बात और सोची है वो क्या है दीदी याद रहे कि तुम्हें अपनी कोहनी में ही छींकना है तुम्हारे हाथ पर नहीं क्योंकि हम अपने हाथों से खाना दरवाजे के हैंडल सब तरह की चीजें छूते हैं दूसरे लोगों को भी तो अगर हमारे हाथों पर कीटाणु है हम छूने से उन्हें फैला देते हैं बहुत अच्छे क्यों ना मैं तुम दोनों से अपनी हेल्दी वर्कशॉप लीड करवाऊं? ज्यादा से ज्यादा हेल्दी हैबिट्स के इस्तेमाल का मतलब कम लोगों का बीमार पड़ना पर फिर आंटी फातिमा के पास कम काम होगा <laughs> वो मेरे लिए ठीक है मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्दी रहना सिखाऊंगी इलाज करने की बजाय शायद एक दूसरे का ध्यान रखने वाला मेरा गाना अब मरीजों को सुना सके सबका ध्यान रखे तो बनेगी दुनिया अच्छी यू।